हेलो, मैं संगीता लोढ़ा, किचन आर्ट कुकिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं ओसवाल प्रोडक्ट के साथ ढाबा पनीर बनाने जा रही हूँ। सबसे पहले कढ़ाई में तेल डाल रहे हैं, कच्ची घानी का, सरसों का तेल, ऑयल गरम हो चुका है। अब हम इसमें ओसवाल जीरा ऐड करेंगे, दो लौंग और साथ में दो टमाटर का पेस्ट हम डालेंगे। इसमें हम मसाले ऐड करते हैं, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, रॉक साल्ट। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और 2 से 5 मिनट के लिए हम इस ग्रेवी को कुक होने देंगे। इसमें हम 5-6 काजू का पिसा हुआ पेस्ट भी डालेंगे। 5 मिनट तक इसको हम कुक होने देंगे मीडियम फ्लेम पे। ग्रेवी बन चुकी है, अब हम इसमें पनीर ऐड करेंगे। ढाबा पनीर तैयार हो गया, अब हम इसे नान के साथ, तंदूरी रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। इसमें हम ऊपर से गार्निशिंग के लिए पनीर ग्रेटेड भी डाल सकते हैं।